श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भाई दूज कल है और भाई दूज के लिए हमें क्या क्या तैयारी करना है वो आप लोगों को शायद नहीं पता होंगी, और क्या गलती आपको नहीं करना चाहिए भाई दूज के दिन। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई दूज त्यौहार किसका होता है। सीधी सी बात है कि भाई दूज भाई और बहन का एक पवित्र जो बंधन होता है उसका त्यौहार है। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, और इस दिन आपका कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिस दिन आपको अपने भाई को तिलक करना चाहिए जिसमें आपका भाई दूज जो है सफल रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि भाई दूज के दिन कौन सा शुभ समय है जिस दिन आपको अपने भाई का तिलक करना है। तो भाई दूज का जो शुभ समय है वो है 1:10 से लेकर 3:22 तक। जी हाँ, इस बार थोड़ा लेट यहाँ पर शुभ मुहूर्त है, और ये जो हम मुहूर्त बता रहे हैं, ये जो भी बातें बता रहे हैं, ये ज्योतिष के द्वारा बताई जा रही हैं। ये श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नहीं बताई हैं, तो आप चाहें तो गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, और ये हम ज्योतिष के ज़रिए से आपको बता रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त है 1:10 से लेकर 3:22 के बीच में आप कभी भी अपने भाई को तिलक कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दोस्तों, उपहार लेने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अपने भाई बहन जो रहते हैं वो कुछ उपहार ऐसे ले लेते हैं जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, काले, नीले और ग्रे कलर के कोई सा भी ऐसा तोहफा आपको नहीं देना है जो कि आप एक दूसरे को दे रहे हो, ठीक है, काले, नीले और ग्रे कलर का। साथ ही में आपको नुकीली या कोई कांटेदार चीज़ जो है लोहे की, कुछ भी ऐसी, तो वो भी आपको किसी को गिफ्ट नहीं करना है। आप लोग सोचते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है गिफ्ट कर दें, जैसे कि मोबाइल वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो वो हम गिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी गिफ्ट नहीं करना है। सीधी सी बात यह है कि हमें नेगेटिव प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जिससे जो नेगेटिव चीज़ों को दर्शाती है, उन चीज़ों को गिफ्ट नहीं करना है। हमें पॉजिटिविटी को ही इस बीच लाना है, पॉजिटिव गिफ्ट्स को ही यहाँ पर गिफ्ट्स करना है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान जो है अपने भाई बहनों को नहीं देना है, किसी को भी तोहफे में नहीं देना है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर जूते चप्पल दे देंगे, तो यहाँ पर आपको जूते चप्पल भी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं करना है। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और आप लोग कुछ ऐसे अच्छी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर गिफ्ट में दे सकते हैं, जैसे कि पर्स हो गया। पर्स में आप कुछ पैसा रखकर अगर आप अपने भाई बहनों को गिफ्ट करते हैं, भाई या बहन, भाई जो है बहन को कर सकता है, बहन जो है भाई को कर सकता है, एक पर्स लेकर उसमें थोड़े से कुछ पैसे रखकर आप गिफ्ट करेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में हमेशा वास करेंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी भाई दूज आप बहुत खुशहाली से मनाइए, बहुत सुख समृद्धि से मनाइए, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में हमेशा वास कीजिए। तो यही कुछ बातें थी जो कि आपको कल के दिन ध्यान रखना है। भाई दूज के दिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।